अस्सलाम वालेकुम। क्या आप लोगों की भी YouTube पर शॉर्ट वीडियो वायरल नहीं हो रही? तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। शॉर्ट वीडियो को वायरल करना कोई मुश्किल काम नहीं, जो आप लोग शॉर्ट अपलोड कर रहे हो वो तरीका गलत है, इसलिए तो आप लोगों की वीडियो वायरल नहीं हो रही और ना ही आप लोगों की वीडियो पर व्यू आ रहे हैं। शॉर्ट वीडियो को वायरल करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है और कुछ सेटिंग है जो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। शॉर्ट वीडियो वायरल करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को यह समझना पड़ेगा कि शॉर्ट वीडियो वायरल कैसे होती है और कहां से व्यू आते हैं, आखिर शॉर्ट वीडियो पर व्यूज आते कहां से हैं। जैसे हम लोग लॉन्ग वीडियो बनाते हैं तो लॉन्ग वीडियो पर ज्यादा व्यूज ब्राउज़ फीचर से आते हैं। ब्राउज़ फीचर क्या है? ब्राउज़ फीचर का मतलब है कि अगर कोई यूट्यूब पर स्क्रॉल कर रहा है और उसके सामने मेरी वीडियो आती है, उसने मेरे वीडियो पर क्लिक किया और मेरी वीडियो को देख लिया, इसको ब्राउज़ फीचर कहते हैं। लॉन्ग वीडियो पर इस तरह व्यू आते हैं मगर शॉर्ट वीडियो पर इस तरह व्यू नहीं आते। शॉर्ट वीडियो पर व्यूज शॉर्ट फीड से आते हैं। यूट्यूब एप्लीकेशन में एक सेक्शन है शॉर्ट फीड का, जहां पर क्लिक करने से सारे शॉर्ट्स सामने आने लग जाते हैं, इसी को कहते हैं शॉर्ट फीड। आप लोगों की वीडियो पर व्यूज इसलिए नहीं आते क्योंकि आप लोगों की वीडियो शॉर्ट फीड में नहीं जाती। अगर आप लोगों की वीडियो शॉर्ट फीड में जाएगी तब भी आप लोगों के व्यूज आएंगे। अब मैं आप लोगों को यह बताऊंगा कि आप लोगों ने अपनी वीडियो को शॉर्ट फीड में कैसे बेचना है। तो इसके लिए आप लोगों ने अपनी वीडियो की लेंथ कम से कम रखनी है। जितनी आप लोग अपनी वीडियो की लेंथ रखोगे उतनी ही आप लोगों की वीडियो के वायरल होने के चांसेस ज्यादा होंगे, क्योंकि अगर हमारी वीडियो की लेंथ कम होगी, कम सेकंड की होगी, तो लोग पूरी वॉच करेंगे और जो हमारे एवरेज क्लिक आएंगे ना, तो उससे हमारी वीडियो के वायरल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इसके लिए आप लोगों ने ना अपनी वीडियो को ना कम से कम 10 सेकंड से ना कम रखना है। वीडियो को वायरल करने के लिए सबसे पहले तो आप लोगों ने ना अपनी वीडियो को एंगेजिंग बनाना है। अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोगों की वीडियो वायरल हो जाए तो आप लोगों ने अपनी वीडियो में फुल स्पीड से बोलना है, ताकि जो भी आप लोगों की वीडियो देखे वो आप लोगों की वीडियो को स्क्रॉल ना करे। आप लोगों ने अपनी वीडियो में गैप नहीं आने देना। जैसे ही आप लोगों का गैप आता है, आप लोग रुकते हो वीडियो में, तो आप लोगों की वीडियो लोग स्क्रॉल कर देते हैं। तो इसके लिए आप लोगों ने अपनी वीडियो में गैप नहीं रखना। आप लोग जितना फास्ट बोलोगे उतनी आप लोगों की वीडियो ज्यादा रैंकिंग में जाएगी। और आप लोगों ने अपनी वीडियो में एलिमेंट्स और साउंड इफेक्ट्स लाजमी यूज करने हैं, इससे लोगों की तवज्जो रहती है और लोग आप लोगों की वीडियो को पूरा वॉच करते हैं। और दूसरा, आप लोगों ने अपनी वीडियो के पहले 3 सेकंड में जो भी आप लोगों ने वीडियो में बताना है, आप लोगों ने उसका शॉर्ट करके आप लोगों ने उस 3 सेकंड में बताना है। तो इससे लोगों को यह पता चल जाता है कि इसने वीडियो में बताना क्या है, तो इससे वो लोग वीडियो को फुल वॉच कर लेते हैं। और अगर आप लोग वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही बोल दें अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, ये वो, तो इससे आप लोगों की वीडियो वायरल नहीं होती, क्योंकि लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता ये सब सुनने को, तो इसलिए लोग आपकी वीडियो को स्क्रॉल कर देते हैं। इस वक्त यूट्यूब लॉन्ग वीडियो से ज्यादा शॉर्ट को प्रमोट कर रहा है। अगर आप लोगों का लॉन्ग वीडियो पर चैनल है तो आप लोग एक अलग से शॉर्ट वीडियो पर भी चैनल जरूर बना रहे, क्योंकि आने वाले दिनों में यूट्यूब लॉन्ग को कम तरजीह देगा और शॉर्ट वीडियो को ज्यादा प्रमोट करेगा। इस वक्त भी यूट्यूब लॉन्ग से ज्यादा शॉर्ट को प्रमोट कर रहा है और लोगों के शॉर्ट वीडियो पर मिलियंस में व्यूज आ रहे हैं। अगर आप लोग ये चाहते हो कि मैं आप लोगों को ये बताऊं कि आप लोग नॉन कॉपीराइट म्यूजिक और नॉन कॉपीराइट एलिमेंट्स कहां से ले सकते हो, तो इसके लिए आप लोगों ने गूगल पर जाना है और वहां पर सर्च करना है पिक्साबे। आप लोगों को जो पहली वेबसाइट आएगी तो आप लोगों को वहां पर नॉन कॉपीराइट एलिमेंट्स और नॉन कॉपीराइट म्यूजिक मिल जाएंगे, जो बिल्कुल फ्री है। आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हो और अपनी वीडियो में यूज कर सकते हो। इससे आप लोगों की वीडियो पर कोई कॉपीराइट नहीं आएगा। अब मिलते हैं एक नई वीडियो में और नए कंटेंट के साथ।